हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट अपडेट जो केट 2021 एग्जाम से रिलेटेड है। और ये जो अपडेट है ये रिलेटेड है आपका एप्लीकेशन करने के जो डेट है उससे, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप जो है मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो देखिए, ये है जो गेट का ऑफिशियल वेबसाइट gate.iitb.ac.in। तो इस बार का जो गेट 2021 है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है आईआईटी बॉम्बे। तो देखिए इसमें क्या है, तो गेट 2021 में अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने बोला है जो गेट का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये जो डेट है ये 7 अक्टूबर 2020 विद रेगुलर फीस, ठीक है? तो मे बी ड्यू टू COVID-19 की वजह से क्या है कि बहुत से बच्चे मे बी जो एप्लीकेशन है वो फिलअप नहीं कर पाए हैं, या उन्होंने रिक्वेस्ट किया है गेट की से कि आप जो है एग्जाम की जो एप्लीकेशन फी एप्लीकेशन जो डेट है उसे इंक्रीज कर दी है या एक्सटेंड कर दी है, ताकि जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी इसको अप्लाई कर सके, ठीक है? तो मे बी आफ्टर कंसीडरिंग दिस गेट 2021 इज एक्सटेंडेड अप टू वेडनेसडे 7 अक्टूबर 2020 विद रेगुलर फीस। इसीलिए जो गेट 2021 के जो एप्लीकेशन डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 7 अक्टूबर 2020 विद रेगुलर फीस के साथ। तो देखिए, हम डेट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि जो गेट की एक्सटेंडेड डेट है, एक्सटेंडेड क्लोजिंग डेट ऑफ रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन पोर्टल, वो इंक्रीज करके 7 अक्टूबर 2020 को मेंशन कर दिया गया है, ठीक? यानी 7 अक्टूबर 2020 अब लास्ट डेट है, आप 7 अक्टूबर तक जो है गेट 2021 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ऑनलाइन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन विद लेट फी, तो ये है वेडनेसडे 12 अक्टूबर। तो अगर आप जो है अगर 12 अक्टूबर तक अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लेट फी देना पड़ेगा, ठीक है? तो इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कितना लेट फी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है लेट फी देना पड़ेगा, ठीक है? तो इन्होंने देखिए, अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो एंड है एक्सटेंडेड पीरियड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन विद लेट फी 12 अक्टूबर, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और अगर हम बात करें इसमें, देखिए इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट भी दे रखा है कि ये जो डेट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं, क्योंकि COVID-19 पेंडेमिक इज गोइंग ऑन, जिसकी वजह से जो डेट्स हैं वो यहाँ पे चेंज हो सकती है, ठीक है? तो ये साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि इट मे बी नेसेसरी टू पोस्टपोन द गेट 2021 एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ सिचुएशन बी अंडर कंट्रोल ऑफ गेट कमिटी, ऑल अपडेट विल बी अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। तो आपको रेगुलरली क्या करना है कि वेबसाइट को चेक करते रहना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका जो डेट है वो कोई चेंज तो नहीं हुई है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा अगर आपका कोई भी एग्जामिनेशन डेट चेंज होता है या कुछ और भी चेंजेस आते हैं डेट्स में, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी गेट 2021 पेपर्स भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ये बता देता हूँ कि इस बार जो 2 पेपर्स हैं, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो नया इंक्लूड हुआ है। साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस जो है वो भी नया इंक्लूड हुआ है। तो 2 पेपर्स इस बार इंक्लूड हुए हैं। और मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट है वो आपको चूज कर सकते हैं जब आप गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ठीक है? तो मैं उसका वीडियो जो है वो बनाऊंगा और उस वीडियो को मैं जल्द ही अपडेट करूंगा, ताकि आप देख सकें कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो चूज करना चाहिए अगर आप लाइफ साइंस का एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए, मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो चलिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।